हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और आज हम लौट के आए हैं हेयर गुरु सैलून, जो कि है हमारा मालवे नगर में अपोजिट। हमारा जो है यहाँ पे एक मॉल पड़ता है, सेलेक्ट सिटी मॉल। तो गाइस आइए बात करते हैं, अजहर भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ और पहले भी आए थे इनसे बात करने के लिए। तो आज कुछ इनसे बात करते हैं डिटेल, इनके सैलून के बारे में, सर्विसेज के बारे में और कुछ इनकी पर्सनल जर्नी के बारे में भी। तो अजहर भाई, सबसे पहले आपका वेलकम करता हूँ लोकल मार्क्स में। हेलो सर। सर मैं मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है गुरु सैलून को मेंटेन करते हुए, और हम सारी सर्विस करते हैं यहाँ पर, और अभी तो फिलहाल लेडीज़ का भी हमने स्टार्ट कर दिया है एंड एनी केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह सब स्टार्ट। और रिसेंटली अभी हमने क्या कहते हैं हेयर एक्सटेंशन का भी काम स्टार्ट करा है, तो चाहे आप हमारे इंस्टा पेज पर जाके देख लीजिए। इंस्टा हमारी आई डी बनी हुई है hairguru.guru.salon के नाम से, मिस्टर अजहर खान के नाम से आई डी हमारी बनी हुई है। उस पर आप देखिए हमारा सारा वर्क आपको उस पर प्रॉपरली शो होगा, और उसको आप फॉलो करिए। हमारा उस पर वर्क देखिए, हमने कितना वर्क, क्या क्या वर्क हमने कर रखा है प्रॉपर तरीके से। और क्लाइंट भी जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, सारे हमारे रिपीट क्लाइंट्स होते हैं यहाँ पर। 10 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ उस सैलून लाइन में, तो सारे मेरे अपने ही क्लाइंट हैं हमारे, और सारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं हमारे। और प्राइस भी हमने, हमारे जो प्राइस भी बहुत रीज़नेबल हैं। अभी हमने रक्षाबंधन में ऑफ़र डाल रखा था सिस्टर्स के लिए, उसमें हम बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हम हेयर कट एंड ब्लू ड्राई, ठीक है, गर्ल्स के लिए दे रहे थे, जिसका प्राइस था 249। एंड कैरेटिन का भी हमने बहुत रक्षाबंधन ऑफर कर रखा था, उसका भी प्राइस हमारा 2499, जो कि आपको जी के कैरेटिन का आपको कहीं पर भी वो प्राइस नहीं मिलेगा जो आपको हेयर ग्रो सैलून में मिलेगा। ओके, तो प्लीज़ गाई कम टू हेयर ग्रो सैलून। एंड इस लोकेशन इज़ वेरी इजी, सिलेक्ट सिटी मॉल नियर साई बाबा मंदिर। थैंक यू गाइस। तो अजहर भाई, थोड़ा सा वीडियो क्लोज करने से पहले जानना चाहूँगा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी, कि इस लाइन में कैसे आए, कैसी जर्नी रही, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े यहाँ इस मुकाम पे आने के लिए, कि आज आप एक एक्सपर्टीज़ हैं हेयर सैलून सर्विसेज में। तो इस चीज़ में कितना टाइम हो गया आपको पर्सनली, और थोड़ा जर्नी के बारे में कि शुरुआत कैसे हुई, इस लाइन में कैसे आए, लाइनें और भी थी बट इसी लाइन में क्यों आना हुआ, किसी ने आपको एडवाइस किया या खुद का एक शुरू से एक था कि यार मुझे इसी लाइन में जाना है, थोड़ा इसके बारे में बताइए प्लीज़। एक्चुअली क्या है, मैंने पहले रिटेल्स में था, रिटेल लाइन से था, बट मेरे को ना वहाँ पे कोई फ्यूचर्स अपना नज़र नहीं आया। स्टैंडिंग वर्क था हमारा, तो एक स्कूल टाइम के बाद से मैं रिटेल शॉप में, मैंने पहली जॉब करी थी मैंने, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं काफ़ी जो सैलून लाइन में थे। अब मुझे उनका थोड़ा वर्क अच्छा लगता था कि यार ये ना थोड़ा इनका फ्री माइंड रहते हैं और इनको मतलब कि इजीली वर्क करते हैं, और जो भी है थोड़ा काम करने का, मतलब मुझे उस फील्ड में, मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। थोड़ी पर्सनैलिटी वाइज भी इंसान को अपने ऊपर होता है कि यार इंसान ना पर्सनैलिटी वाइज भी वर्क के अकॉर्डिंग जाता है, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार आप ना मेरे फील्ड में एक बार ट्राई करो। तो मैं उसके पास जाकर उसको देखता था उसके काम को, और उसको देखकर अपने माइंड में लाता था, अपने फ्रेंड्स को प्रैक्टिकल करता था घर में भी, तो मेरा माइंड थोड़ा वहाँ से रनिंग आउट हुआ कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है। घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, पापा ने बोला यार कि ये वाला काम नहीं करना, ये वो। फिर मैंने समझाया, एक्चुअली मेरे ब्रदर ने मुझे सपोर्ट करा कि नहीं तू कर, कोई नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैंने स्टार्ट करा, इनफैक्ट मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने अपनी शॉप डाली, ठीक है, उसी पे ही मैं अपना रनिंग आउट करता रहा। फिर मैंने कोर्स करा प्रॉपर इस तरीके से, एंड कोर्स करने के बाद मैंने प्रॉपर जब मैं पूरा प्रैक्टिकली सीख गया, फिर मैंने अपना सैलून इसको ओपन करा अपने। फिर अब आप देख रहे हो, मैं इस टाइम पे मुझे 10 ईयर्स हो गए और अब मैं इस मुकाम पे हूँ। हालांकि मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ बॉयज़ को हेयर की, जो पास क्लासेस लेने आते हैं कि मुझे कोर्स करना है, कोर्स करते हैं बच्चे। देखो इतना इन्वेस्टमेंट हर माँ बाप नहीं कर सकता है, या बच्चे में पैसे की प्रॉब्लम्स बहुत है, तो मैं उनसे कुछ चार्ज नहीं करता, उनको काम सिखाता हूँ और प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। मैंने अपने अपने फ्रेंड्स को लेके आओ, अपने दोस्त को आप लेके आओ काम करने के लिए, आप काम करो, आपके लिए कोई मान नहीं है, और कोई फीस नहीं है उसकी। क्योंकि जैसे मैंने स्ट्रगल करा, मैंने चाहता कि आगे कोई स्ट्रगल करे और आगे वाले बंदों के लिए और ईजी हो जाए काम, ये हम आपको बोलना चाहते हैं। तो गाइस, जैसा आपने देखा, हम अजहर जी के साथ जुड़े हुए थे हेयर गुरु सैलून में, जो कि है हमारा मालवे नगर में,
अपोजिट हमारा पड़ता है सेलेक्ट सिटी मॉल गाइस। और यहाँ पे मैं ही बोलूँगा कि भाई जी को काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, जैसे उन्होंने बताया कि 10 साल की जर्नी रही है। स्टार्टिंग करियर थोड़ा सा हमारा हार्ड रहा, क्योंकि उसका रीज़न था कि भाई जी दूसरी लाइन से बिलोंग करते थे, रिटेल लाइन से। उसके बाद इस लाइन में उन्होंने मूव किया तो चीज़ें आसान नहीं थी उस टाइम, जो कि होता है जनरली। लेकिन हाँ, थोड़ा मेहनत, स्ट्रगल और थोड़ा चैलेंजेस फेस करने के बाद आज इनका अच्छा सैलून है, अच्छी लोकेशन पे है, अच्छा क्लाइंटेल है, और मेन बात है रिपीटेड क्लाइंटेल है। और खुद तो उनको काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं जैसा भाई ने बताया। तो और बल्कि सेम इंडस्ट्री में हेल्प कर रहे हैं कि कुछ मतलब जो ट्रेनर्स होते हैं फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो ये उनकी हेल्प भी करते हैं, मतलब विदाउट चार्ज उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एक मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से हेल्प भी कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आइए आप, और किसी भी तरीके की सर्विस चाहिए आपको, मेकअप, हेयर स्पेशलिस्ट, हेयर स्टाइल और आपका कलरिंग में, क्रिएटिन में, तो आप यहाँ पे आइए एक बारी, इनसे सर्विस लेके देखिए और आई होप आपको अच्छी सर्विस मिलने वाली है। एनी काइंड ऑफ वर्क कुछ भी आ सकते हैं आप हेयर के लिए। आपको यहाँ पे एवरी काइंड ऑफ वर्क मिलेगा हेयर का, कुछ भी आप जो भी आप चाहोगे वो मिल जाएगा। तो जैसा आपने भाई ने बताया, अजहर भाई ने, कि एनी काइंड ऑफ सर्विस इज अवेलेबल हेयर रिगार्डिंग द हेयर, तो आइए सर्विस लीजिए गाइस यहाँ पे, और अपना फीडबैक हमें भी शेयर कीजिए, बाकी थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए। कीप सपोर्टिंग लोकल मार्क्स एंड कीप फॉलोइंग लोकल मार्क्स ऑन द इंस्टा एंड यूट्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।